दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो बड़े अपडेट्स और आज हम आपसे बात करने वाले हैं Redmi Note 7 के इंडिया लॉन्च के बारे में और साथ ही दोस्तों Realme का एक नया फ़ोन लॉन्च होने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं Redmi Note 7 के इंडिया लॉन्च को लेके। तो Redmi इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक टीज़र पोस्ट किया गया है Redmi Note 7 के लॉन्च को लेके। हालांकि यहाँ पे डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, प्राइसिंग भी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि Redmi Note 7 लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में और ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है अब। जहाँ तक उम्मीद की जा रही है कि ये जो फ़ोन है आपका 15 फरवरी से पहले ही लॉन्च हो जाएगा। असल में दोस्तों Redmi इंडिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक फ़ोटो पोस्ट किया है जो कि मतलब उल्टा किया हुआ है और वहाँ पे कुछ कैप्शन भी दिए हैं और वो भी उल्टे हैं, तो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटो में, अगर मैं आपको सीधा करके दिखाऊँ तो यहाँ पे ग्लोबल जो CEO हैं Xiaomi के वो हैं और मनु कुमार जैन हैं Redmi Note 7 को हाथ में लेके, और जो कैप्शन है वहाँ पे लिखा हुआ है अपना टाइम आएगा, 48 मेगापिक्सल लाएगा, सबका सर घुमाएगा, इंडस्ट्री पे छाएगा, अपना टाइम आएगा। तो यहाँ से ये बात तो दोस्तों कंफर्म हो जाती है कि Redmi Note 7 जिसके लिए हम में से बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, मैं भी हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप भी हैं एक्साइटेड इस फ़ोन को लेके। तो ये फ़ोन जो है लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में और इसकी अगर प्राइसिंग को लेके बात करूँ दोस्तों तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है जो 3GB 32GB है वो तकरीबन आपका 10,000 की स्टार्टिंग प्राइस से लॉन्च हो सकता है या फिर 11,000 की प्राइस में लॉन्च हो सकता है, और जो 4GB 64GB है वो तकरीबन आपका 12,000 की प्राइस में लॉन्च हो सकता है। वहीं अगर लॉन्च डेट को लेके बात रहे हैं तो लॉन्च डेट कंफर्म नहीं है, 2-4 दिन में शायद वो भी सामने निकल के आ जाएगी, लेकिन जहां तक उम्मीद की जा रही है कि ये जो फोन है 15 फरवरी तक आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो अपडेट है दोस्तों वो आ रहा है Realme की तरफ से। Realme का एक नया फ़ोन लॉन्च होने वाला है फरवरी के महीने में ही आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा। इस फ़ोन का नाम क्या होगा अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आप Flipkart खोल के देखेंगे तो वहाँ पे एक टीज़र पोस्ट किया गया है हैशटैग एंटरटेनमेंट का बॉस देखिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लाइफ इज़ ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ रियल एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे टीज़र दिए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, बाकी कोई स्पेक यहाँ पे दिए हुए नहीं है कि इसमें क्या कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो फोन है दोस्तों वाइड नॉच के साथ आने वाला है, बड़ी नॉच के साथ आने वाला है जैसा हम लोग को Realme 2 में देखने को मिला था। दोस्तों अब इस फोन का नाम कहना मुश्किल होगा कि ये Realme 3 होगा या फिर Realme A1 होगा, लेकिन दोस्तों ये जो फ़ोन है MediaTek के Helio P60 के साथ आ सकता है और इसमें आपको काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है, वाइड नॉच के साथ ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है और इसकी जो प्राइस होगी 10,000 के नीचे होने वाली है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है जिनको 10,000 के नीचे एक अच्छा फ़ोन चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए और परफॉर्मेंस वगैरह ठीक ठाक चाहिए। और साथ ही एक अपडेट और है Realme की तरफ से। Realme का जो 48 मेगापिक्सल के कैमरा वाले फ़ोन का अपडेट आ रहा था कि एक नया फ़ोन आने वाला है Realme की तरफ से जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, तो पहले माधव सेठ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इस फ़ोन पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि वो ऐसे कोई फ़ोन पे काम नहीं कर रहे हैं। वो Redmi Note 7 को टारगेट करते हुए कह रहे हैं वो सिर्फ मेगापिक्सल को बढ़ाना नहीं चाहते हैं कि 4 टाइम आप 12 मेगापिक्सल का सेंसर देके 4 टाइम उसको इन्हेंस करके 48 मेगापिक्सल बना दे, वो चाहते हैं कि परफेक्ट हार्डवेयर और परफेक्ट सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन हो और जो फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिले कैमरा में वो बेहतरीन हो। तो उनका भी कहने का मतलब सही है, सिर्फ मेगापिक्सल ही सब कुछ नहीं होता है, यहाँ पे फ़ोटो जो लास्ट में निकल के आती है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे Redmi Note 7 को टारगेट करते हुए उन्होंने ऐसा कहा है। अब देखने की बात रहती है कि Realme 3 Pro में हम लोग को क्या कुछ देखने को मिलता है। तो बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, यही कुछ अपडेट थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हेल्पफुल लगे तो कर देना इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। मिलता हूँ आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए।